पावर और टॉर्क में कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम किसको ज्यादा तरजीह देंगे? ये चीज बिल्कुल सब्जेक्टिव है और डिपेंड करता है राइडर टू राइडर, या फिर हर राइडर की अपनी राइडिंग प्रेफरेंसेस या राइडिंग स्टाइल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहता हूँ जिसको मैं ड्रैग रेस में इस्तेमाल करूँ, तो बट नेचुरल है कि मैं एक्सेलरेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जल्दी से जल्दी पहुँचना है। और ड्रैग रेस के केस में वो पॉइंट ए टू बी बहुत छोटा होता है, 100 मीटर, 200 मीटर मैक्सिमम। तो इस केस में मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, यानी मैं ध्यान दूंगा अपनी मोटरसाइकिल के टॉर्क पे, कि मेरा टॉर्क मेरे पावर के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा हो, और जितना अर्ली हो आरपीएम्स पे उतना अच्छा है। देखिए, ये नेचुरल सी बात है कि मेरी मोटरसाइकिल में अगर टॉर्क 80 Nm का है, सपोज करें, तो टॉर्क फिगर तो बड़ा हेल्दी दिख रहा है हमें, अभी हमने 20 से एग्जाम्पल अगर उससे कंपेयर करें, लेकिन वो 20 Nm का टॉर्क हमें 5000 RPM पे मिल रहा था, और ये 80 Nm का टॉर्क जो है ये 10000 RPM के बाद मिल रहा है। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि वो 20 Nm का टॉर्क जो 5000 RPM पे आता है वो बेहतर है, या इस केस में जबकि मैं अपनी मोटरसाइकिल को ड्रैग में ले जा रहा हूँ, 80 Nm का टॉर्क जो 10000 RPM पे मुझे मिलेगा वो बेहतर है? जवाब सीधा सा है कि मुझे ड्रैग रेस में फौरन ड्रैग करनी है, मुझे फौरन टॉर्क चाहिए, इमीजिएटली एक्सेलरेशन चाहिए। मेरा एक्सेलरेशन जिस मोटरसाइकिल पे 80 Nm है वो 10000 RPM पे है, यानी मुझे अपनी मोटरसाइकिल से मैक्सिमम एक्सेलरेशन लेने के लिए उसे 10000 RPM तक रेव करना पड़ेगा। मैं जब तक अपनी मोटरसाइकिल को 10000 RPM तक लेकर जाऊंगा, जब तक मेरी ड्रैग खत्म हो जाएगी। यानी सीधी सी बात है कि मैं अपने मोटरसाइकिल से मैक्सिमम टॉर्क नहीं डिलीवर कर पाऊंगा। ये इस बात को भी साबित करता है कि टॉर्क वही अच्छा है जो जितनी अर्ली रेव रेंज के ऊपर आपको मिल जाए, जितनी अर्ली मिल जाए, 5000, 4000, 3000, 3500, इवन 2000, जितनी जल्दी आपको मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपको एक्सेलरेशन मिलेगा और उतना ही आप एक्सेलरेशन को एन्जॉय करेंगे। अब अगर हम पावर की बात करते हैं, तो पावर उन राइडर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो मोटरसाइकिल को क्रूज करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अपनी मोटरसाइकिल को मैक्सिमम टॉप स्पीड तक ले जाएं। फॉर एग्जांपल, लंबे हॉल्स के लिए जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, चाहते हैं कि मोटरसाइकिल को 150-200 की रफ्तार पर चलाएं, तो यहाँ पावर काम आता है। जितना ज़्यादा पावर होगा और जितने हाई रेव रेंज तक पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतना ही ज़्यादा आपको टॉप स्पीड मिलेगी। तो ये बिल्कुल आपने देखा कि हमारे राइडिंग प्रेफरेंसेस के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि हम कैसी बाइक चाहते हैं, जिसमें टॉर्क ज़्यादा हो, या ऐसी बाइक जिसमें के पावर आउटपुट ज़्यादा हो। आमतौर पर मैन्युफैक्चरर्स भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो मोटरसाइकिल दोनों ही वर्ल्ड के लिए परफेक्ट हो, यानी उसमें टॉर्क भी इतना हो कि आपको ज़रूरत ना पड़े बार बार गियर चेंज करने की, और पावर भी उसके अंदर इतना हो कि अगर आप उसको लंबे सफ़र पे ले जाना चाहें तो अच्छा खासा आपको उससे टॉप स्पीड भी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि पावर और टॉर्क में क्या डिफरेंस है, और एक मोटरसाइकिलिस्ट के लिए इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर या टॉर्क। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।